सो हेलो गाइस, दिस इज जतिन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सारे? होप करता हूँ सभी बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो मैं सीजीसी का रिव्यू करने वाला हूँ, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का। काफी कमेंट आते थे भाई सीजीसी का बताओ। वैसे मैंने ना एक वीडियो बना रखी है सीजीसी के ऊपर, बट ना वो प्रॉपर वीडियो नहीं है। उसमें मैंने सीयू और सीजीसी का कंपैरिजन बताया हुआ है। तो मेनली अभी जो वीडियो होने वाली है ये प्रॉपर वीडियो में बना हुआ है सीजीसी के ऊपर, कि भाई सीजीसी की फीस क्या है, सीजीसी में आप एडमिशन क्या ले सकते हो, इनकी प्लेसमेंट क्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बेटर प्लेसमेंट है, कम प्लेसमेंट है, तो मतलब सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले जिनको सीजीसी का नहीं पता, सीजीसी चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, जो कि लांडरा में भी है, झंझेरी में भी है, दोनों ही पंजाब में है, लांडरा और झंझेरी तो दोनों में है। और ये मेनली सीयू के साथ कंपेयर क्यों की जाती है और सीयू के साथ सिमिलर क्यों है ये यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और इनके ओनर दोनों सेम है और दोनों के को फाउंडर भी सतनाम सिंह संधू वो भी सेम है। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सीजीसी और सीयू में क्या डिफरेंस है, तो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जो सबसे पहली चीज आती है अब कि भाई हम सीजीसी में एडमिशन कैसे ले, क्या प्रोसेस रहता है इनका, तो देखो मेनली ना इनका कुछ ऐसा खास प्रोसेस नहीं रहता। जैसे सीयू में तो सीयू सेट क्लियर करना पड़ता है कई कोर्सेज के लिए और फीस भी हाई है और 55% ग्रेजुएशन में 60% चाहिए। इनका कोई खास प्रोसेस नहीं है। अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ प्लस टू कर रही होनी चाहिए वेल रेकग्नाइज बोर्ड से। और अगर वही आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपने 3 ईयर डिग्री करी होनी चाहिए, वो कोई भी डिग्री हो, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीबीए हो, तो कोई भी डिग्री हो आप ऐसे एडमिशन ले सकते हैं। और मेनली हम बीटेक और एमबीए के बारे में ही बात करेंगे मेनली, क्योंकि यही दो मेन कोर्सेज होते हैं। बाकी अगर और कोई कोर्सेज का आपने पूछना हो तो कमेंट में मुझे बता देना। तो मैंने एडमिशन का तो आपको बता दिया कि कैसे एडमिशन लेते हैं। तो अब आ जाते हैं फीस पे। तो देखो जो एमबीए की फीस है वो है 49,000 फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की 47,500 और यही सेम टू सेम फीस इनकी बीटेक की रहती है। अगर वही आपका ओड ईयर है, मान लो फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ ईयर, सेवंथ ईयर, तो यही फीस चलेगी 49,000 और इवन सेमेस्टर की जो भी आपका इवन सेमेस्टर होगा, जैसे सेकंड सेमेस्टर हो गया, फोर्थ सेमेस्टर हो गया, सिक्स सेमेस्टर हो गया, एट सेमेस्टर हो गया, उसकी फीस रहेगी 47,500। उसके अलावा 2,000 ये एग्जामिनेशन फी रखते हैं, 2,000 इनकी सिक्योरिटी फी रहती है। सिक्योरिटी फी होती है वो वन टाइम होती है और जो एग्जामिनेशन फी होती है वो आपको हर सेमेस्टर पे करनी पड़ती है। तो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ना, तो आधी फीस पड़ जाती है भाई मतलब। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 1 लाख है ऑलमोस्ट अप्रोक्स एमबीए की वन सेमेस्टर की, और इधर 49,000, तो भाई आधे से भी कम पड़ जाती है अगर हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें। अब आप कहोगे भाई कम फीस है तो प्लेसमेंट भी कम ही होगी, कंपनीज भी कम ही आती होगी तभी कम फीस है, तो भाई ऐसा ना बिल्कुल नहीं है। ये चीज मुझे भी बाद में जाके पता लगी, मुझे भी यही लगता था कि भाई अल्टीमेटली यार कंपनी सीजीसी में कम आती होगी अगर सीयू हाई इतना चार्ज कर रही है और सीजीसी इतना कम कर रही है, डिफरेंस तो होगा। तो अभी मैं डिफरेंस बता देता हूँ। देखो जो इनमें मेन डिफरेंस है ना वो टीचिंग क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस है। जो सीयू के टीचर्स है ना वो इंडस्ट्री ट्रेंड होते हैं मोस्टली, आप उनको प्रोफेशनल टीचर्स नहीं कह सकते, वो मतलब इंडस्ट्री से, जैसे कोई अपनी जॉब छोड़ के सीयू में आया, टीचर बना, अपना नया करियर स्टार्ट किया, तो वो आपको मोस्टली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगा। बट सीजीसी में जो है प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, तो ये डिफरेंस है थोड़ा। टीचिंग क्वालिटी सीयू की काफी हाई है और इंफ्रास्ट्रक्चर सीयू का डेफिनेटली, कितनी लैब्स बनी हुई है, अमेजोन की लैब्स होगी, पाइथन की अलग से लैब होगी, रेड हैट लैब अलग से होगी, माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल की अलग से लैब्स बनी हुई है, और कितना ह्यूज कैंपस है। और सीजीसी का इतना ह्यूज नहीं है, छोटा सा ही कैंपस है, तो ये डिफरेंस है मेनली। अब आप कहोगे कि कंपनीज दोनों में सेम आती है, देखो 80% कंपनीज जो सीजीसी और सीयू की होती है ना वो सेम होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ दोनों की कंपनी सेम होती है। तो 80% जो कंपनीज आती है वो सेम आती है। आप ये लगा लो जब हमारी प्लेसमेंट हो रही थी, जब मैं एमबीए कर रहा था, तो जो कंपनीज सीयू में आई हुई थी ना, तो सीजीसी के बच्चे भी वहीं पे इंटरव्यू दे रहे थे, मतलब सीजीसी के बच्चे भी उसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे थे। तो मेजर कोई डिफरेंस नहीं है कंपनीज का प्लेसमेंट का, सीजीसी और सीयू में ऑलमोस्ट सेम ही है। बता रहा हूँ 20% कंपनी वेरी करती है, वो अब कुछ ना कुछ तो उन्होंने डिफरेंस रखना है ना सीयू वालों ने, क्योंकि इतनी फीस जो चार्ज हाई कर रहे हैं। तो मेनली वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है और टीचिंग क्वालिटी का डिफरेंस है। और आप कहोगे प्लेसमेंट का क्या है, सीयू पे तो 52 लाख पर एनम का दिखाया हुआ है कि हाईएस्ट पैकेज रहता है, और सीजीसी में ने दिखाया हुआ है कि 42 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज है। तो मैं बताता हूँ, देखो सीयू ने जो हाईएस्ट पैकेज दिखाया हो ना, ये मोस्टली क्या होता है, जो स्टूडेंट ऑफ कैंपस ड्राइव ले लेते हैं ना उनको मिलता है इतना ज्यादा पैकेज। कैंपस के लिए इतनी प्लेसमेंट तो बहुत मुश्किल है, बाद में कोई सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं पता नहीं। बाकी जहां तक मुझे पता है ना इनका मतलब रियलिटी का, ये जो बड़े बड़े पैकेजेस ये लोग दिखाते हैं ना, ये मेनली ऑफ कैंपस होते हैं। तो ये बोल देते हैं कि हमारा स्टूडेंट है जो कि प्लेस्ड हुआ है, तो वो ये एडवर्टाइजिंग में कर देते हैं,
और वैसे ही सीजीसी का भी 42 लाख का, अब ये मुझे पता नहीं कि 42 लाख कैंपस प्लेसमेंट मिली थी या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिली थी। अब आ जाते हैं कि भाई इनमें कितनी कंपनीज आती है, जैसे सीयू में तो दिखा हुआ है वेबसाइट पे 600 प्लस 700 प्लस, तो इसमें क्या सीन है? तो देखो किसी ने जो लिखा हुआ है ना, उन्होंने भी 800 प्लस कंपनीज ही लिखा हुआ है, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि किस हद तक इन दोनों की प्लेसमेंट सेम है। और इन्होंने एक बड़ी बड़ी टैगलाइन लिखी हुई है, 8500 प्लस प्लेसमेंट ऑफर ये लोग अभी तक दे चुके हैं स्टूडेंट को। और जो एवरेज पैकेज बीटेक और एमबीए दोनों का सेम ही है 4.5 लाख पर एनम, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी ऑलमोस्ट सेम ही है 4.5 to 5 लाख पर एनम। तो दोनों की प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस 20% कंपनीज वेरी करती है जो कि सीयू में एक्स्ट्रा आती है। बाकी ऐसा ना समझो कि सीयू में गूगल आएगी, माइक्रोसॉफ्ट आएगी और सीजीसी में नहीं आएगी, नहीं ऐसा नहीं है, बड़ी कंपनीज उधर भी आती है उधर भी आती है। 20% कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कि कम बच्चे लेने के लिए आई है, 4 या 6 स्टूडेंट्स लेने के लिए आई है जो, या 2 स्टूडेंट्स लेने के लिए आई है मान लो, तो वो सीयू पहले प्रेफर करेंगे डेफिनेटली। तो ये डिफरेंस रहता है, ये कंपनीज कम आती है। अब मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ कि आपको सीजीसी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। तो देखो मेरा ओपिनियन है बिल्कुल लेना चाहिए एडमिशन, क्योंकि अगर मुझे यार इतना ना उस टाइम पे पता नहीं था, मैं सही बता रहा हूँ प्लेसमेंट का कि भाई सेम होती है, मैं मेनली प्लेसमेंट के लिए गया था ठीक है, मुझे प्लेसमेंट ही चाहिए थी, और मुझे अगर पता होता कि सीजीसी में भी सेम कंपनी आती है तो डेफिनेटली मैं सीयू में नहीं जाता यार, डबल पैसे लगे भाई। बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी सीयू में जाके मेरी काफी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई है, जो कि मुझे नहीं लगता मेरी सीजीसी में हो सकती थी, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो स्टडी क्वालिटी है, वो काफी डिफरेंस देखो प्ले करती है। अगर आप खाली प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो ना, तो सीजीसी में जाओ भाई, सीयू में ना जाना, पैसा मत खराब करना। अगर आपको खुद को डेवलप करना है, अगर आपको खुद को अच्छे से मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी है, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, तो आप सीयू में जाओ, फिर ही आपको प्लेसमेंट मिलेगी जब आपकी इंटरपर्सनल स्किल अच्छी होगी। तो डेफिनेटली भाई सीयू में जाओ, अगर आपकी आपको लगता है ना कि आपको खुद में डेवलपमेंट की जरूरत है, भाई अभी खुद में काफी चेंज लेके आना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए, तो सीयू में जाओ। अगर आपको लगता है कि भाई मैं प्लेसमेंट में इंटरव्यू क्रैक कर लूंगा, तो भाई सीजीसी बेस्ट है, सीजीसी में जाओ, पैसा ज्यादा मत लगाना सीयू में, अगर ये यही प्लान है आपका कि भाई मेरे को सिर्फ प्लेसमेंट के लिए जाना है। आई थिंक अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा सीजीसी से रिलेटेड कि भाई क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए। तो बाकी कोई क्वेश्चन या कुछ मेरे से अगर छूट गया हो, अभी भी कुछ रह गया हो, तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं कमेंट में बता दूंगा। और बाकी आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, किस कॉलेज का रिव्यू चाहते हो, तो मुझे कमेंट में बता देना, वो वीडियो में मैं जल्दी से जल्दी बना दूंगा, क्योंकि अब भाई रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं ना। अगर कुछ भी यार वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो, अगर आपका थोड़ा सा भी डाउट क्लियर हुआ हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मोटिवेशन मिलती है इससे यार। ठीक है, मिलते हैं अगली किसी बढ़िया वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक हैव अ नाइस डे, बूम।